हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट कास, और आज की वीडियो की इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हेटर्स हों, मेरे फॉलोअर्स हों, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स हों, जो भी हैं सारे बंदों के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना और ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये तो रुकने वाला है नहीं, मेरे को पता है ये रुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक और वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने पे कि भाई क्या सीन होता है अकाउंट ओपन का, कैसे स्कैम वगैरह सब चीज़ मैंने बताया हुआ था उसमें। तो मेरे को लगा कि एक और वीडियो बनाना चाहिए इस पर, ठीक है। तो अभी देखो, इस वीडियो में आपको फुल टू फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कहीं भी गलत लगूँ तो मेरे को कमेंट में बता देना, आप सही लगूँ तो बस लाइक कर देना और शेयर कर देना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो देखो, अभी क्या सीन है कि मेरे को सब स्कैमर बोल रहे हैं कि मैं एक स्कैमर हूँ, ठीक है, मैं पेमेंट लेके काम नहीं करता हूँ और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, ठीक है, जो भी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि स्कैम का मतलब होता है ये कि मैंने आपसे पेमेंट लिया और आपको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो भाई, एक भी बंदा ऐसा बता दो या एक भी स्क्रीनशॉट मेरे को ऐसा दिखा दो कि मैंने उसको बोला कि भाई आप मेरे को पेमेंट करो और उसका अकाउंट मैंने करके नहीं दिया हो, या फिर सबमिट नहीं किया हो, या फिर उनके अकाउंट पे मैंने दो बार तीन बार, मतलब पूरे 10-10 दिन तक मेहनत नहीं किया हो, सबमिट नहीं किया हो उन पर। एक भी मेरे को ऐसा बंदा बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रही है कि मेरे नाम पे वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, जो कि YouTube पे, अब शायद वो बंद हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे नाम पे वीडियोस बन रहे हैं वो, चलो सही है भाई, बनाओ। मेरे नाम पे व्यूज़ लेना है, मेरे नाम पे पैसे लेने हैं, तो भाई सही है, जो करना है करो। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्की ट्रिक्स सबसे बड़ा स्कैमर, मैं बता रहा हूँ सच में, स्कैमर जो बड़ा सा ये जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला, क्योंकि मैं, आप कभी भी अक्की ट्रिक्स सर्च करोगे तो सबसे पहले रिकमेंड में इसका ही अकाउंट आता है, ये अकाउंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक अकाउंट है जो कि जिसके 2000 फॉलोवर हैं, 2000 फॉलोवर वाले और 200 फॉलोवर वाले, दोनों के दोनों, ये देखो पूरे के पूरे पोस्ट मेरे चिपकाए हुए हैं। तो इस यूज़र नेम को देख लो, और एक और मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसका 3 डैश है ना लास्ट में, 3 अंडरस्कोर इसके, और एक अकाउंट है जिसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये जिसका 2 अंडरस्कोर है, और की ट्रिक ही है, इसका एस नहीं है, 2 अंडरस्कोर है, ठीक है। ये दोनों बंदे स्कैम कर रहे हैं, और भी देखो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ मेरे को, मैं आपको देखो यहाँ पे अक्की ट्रिक जब सर्च करोगे, आप सर्च करोगे तो देख सकते हो इतने सारे अकाउंट्स हैं। तो इस सब से स्कैम चल रहा है एकदम मस्त, ठीक है। तो बहुत बंदे आ रहे हैं मेरे पास, बोल रहे हैं कि भाई ये स्कैम कर दिए तुमने, मैंने आपको पेमेंट करा था, आपने मेरा अकाउंट ओपन नहीं किया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो और भी जो बंदे हैं वो, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप जितने लोग भी हो इंस्टाग्राम पे, जो भी मेरे नाम से अकाउंट चला रहे हैं, या फिर जो फेसबुक यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहे हैं कि अक्की ट्रिक स्कैम करके, जितने वीडियोज़ हैं, उन लोगों को मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर कुछ करना है तो अपने दम पे करो, अपने कुछ ऐसा कंटेंट डालो जिससे कि आपके व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइबर्स बढ़े, क्योंकि मैं भी यहाँ तक आया हूँ तो मैं मेहनत करके आया हूँ। और आप मेरा नाम लेकर अगर व्यूज़ लेना चाहते हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, मेरे नाम लेकर व्यूज़ लेना चाह रहे हो तो भाई आप तो व्यूज़ ले रहे हो, लेकिन ऊपर से बदनाम करके भी मेरे को जा रहे हो, ठीक है। तो भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ही मैं जितने भी पोस्ट या हाईलाइट्स करता हूँ वो सब आप लोगों के लिए करता हूँ कि भाई देखो, क्योंकि मैं एक एक बंदे को नहीं समझा सकता हूँ कि भाई मैं रियल हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अकाउंट रिकवर करके दूंगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, एक एक बंदे को समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे को रोज़ DMs आते हैं। तो इसीलिए मैंने इतने सारे अच्छे से अकाउंट को बना के रखा है, अपने सारे हाईलाइट्स वगैरह पोस्ट वगैरह डाल रखा है, ताकि आप आओ मेरे अकाउंट पर विजिट करो और देखो कि हाँ बंदा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक और बात बोलूँगा कि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं, आपको मैं कभी नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे से ही अकाउंट ओपन कराओ, मेरे को ही आप पैसा दो, या फिर मेरे पे आप बिलीव करो कि मैं ही एक अकलौता ऐसा यूट्यूबर हूँ जो कि अकाउंट रिकवर करता हूँ, ऐसा मैं कभी किसी को भी नहीं बोलता। मैं इतना बोलता हूँ कि भाई आपको जिस पे ट्रस्ट हो, जिससे मन हो, उससे आप अकाउंट रिकवर कराओ, आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ क्या करोगे, वो आपको पता है, ठीक है। और अगर मेरे पास आप आके पैसे लगा रहे हो तो बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि मैं पैसे लेके ब्लॉक करता हूँ, ऐसा आज तक किसी का भी केस बना ही नहीं है, ठीक है। मैं पेमेंट लूँगा तो भाई उस पेमेंट का मैं आपको फुल टू फुल वर्क करके दूंगा। देखो 80% अकाउंट जो है वो ओपन हो जाती हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, और 20% अकाउंट का कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनमें डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू होते हैं, या फिर कोई आधार कार्ड में कुछ इशू होता है, उनके अकाउंट में कुछ इशू होता है, क्योंकि एक तरीके से अकाउंट तो बंद होते नहीं, क्लोज होते नहीं, बहुत सारे तरीके से होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि 80% अकाउंट ओपन होते हैं, 20% नहीं होते हैं, ठीक है। आप मेरे पास आओगे, पेमेंट करोगे, मैं आपका सबमिट करूँगा, बिल्कुल सबमिट करूँगा। मैं हमेशा हर वीडियो हर बंदे से एक बोलता हूँ एक बात कि भाई इतना पेमेंट मेरा है, तो वो बोलता है भाई मेरे पास इतने पेमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैं बोलता हूँ चलो यार कम दे देना, लेकिन आपका मैं कर दूँगा, ठीक है। मैं पेमेंट कम कर देता हूँ, चलो भाई बंदे को समझ के मैं पेमेंट कम कर देता हूँ,
ठीक है, तो वो अलग सीन हो गया। तो उस पर बहुत सारे ट्रोल बन रहे हैं कि भाई पेमेंट इतना लगता है, फिर कम कर देता है, फिर कम कर देता है, ठीक है, सारे अकाउंट्स ओपन कर देता है। तो भाई सुनो, तुम एक नए नए यूट्यूबर हो, ठीक है, तो अभी तुमको कुछ नहीं पता कि फेसबुक अकाउंट क्या है, या फिर तुम फेसबुक पे नहीं हो, नए हो गए। लेकिन मैं फेसबुक पे नया नहीं हूँ, ना ही मैं यूट्यूब पे नया हूँ। मेरा एक चैनल डिलीट हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने ये दूसरा चैनल बनाया। तो जाके एक बार मेरे हाइलाइट्स देख लेना, या फिर मेरा अकाउंट जो फेसबुक पे, उस पे जाके आप चेक कर लेना एक बार कि मैं क्या करता हूँ और क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे का, बाहर का बंदा था, यहाँ पे देख सकते हो, उसका मैंने अकाउंट हैक था और लॉक था, दोनों रिकवर करके और अनलॉक करके दिया, ठीक है। तो ऐसे मैं हवे में बात नहीं करता हूँ, ना मैं हवे में चैनल बना के और फेंकता हूँ, और ना ही फेक वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैं 10 दिन वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन भाई फेक वीडियो कभी भी नहीं दूंगा कि भाई इस लिंक से कर दो, उस लिंक से कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। और बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं, ना ही मेरे में एटीट्यूड है, ना ही मेरे में उल्टा बात करने का ये है, कुछ नहीं है मेरे में। आप मेरे पास आओगे, मैं आपका, मेरे पास टाइम रहेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और जितना मेरे से हेल्प हो सके उतने दिन तक मैं आपका हेल्प करूंगा। ये नहीं कि आज पेमेंट करा आपने, आज मैंने आपका सबमिट किया और सीधे बोल दिया भाई अब तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो सकता, अब जाओ या ब्लॉक कर देता हूं या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार करता हूं, ठीक है। जब तक नहीं होता तब तक मैं करता हूं, लास्ट में बोलता हूं भाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, या फिर आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा भाई, सबको बोलना चाहूँगा। ये वीडियो मेरे को पता है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बात बोलूँगा कि भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि स्कैमर बोल रहे हो तो स्कैमर के पीछे के बात तुमको नहीं पता क्या है। वीडियो बनाने को तो मैं भी कुछ भी बना के दिखा दूँ, ये मेरे केस में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम है कि वीडियो कुछ होता है, दिखाता कुछ और है, और सामने वाला समझता कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए बोलूँगा कि वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, वीडियो आ रही तो देखो भाई, मेरे नाम पे व्यूज़ लेने उनको तो वो वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो को देखो, पूरे समझो वीडियो को, ठीक है, उसके बाद मेरे पे आके बोलो कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। बहुत बंदे आ रहे हैं मेरे पास, बोल रहे हैं भाई तुमको पहले पेमेंट कर दिया, तुमने मेरा अकाउंट नहीं ओपन किया यार। हाँ, बहुत बंदे मेरे को लिंक भेज रहे हैं कि भाई देखो इस वीडियो अपलोड है, ये वीडियो अपलोड है, मैं आपको कैसे बिलीव करूँ आप पे। तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पे बिलीव करो, आप उस वीडियो पे बिलीव करो, आपको नहीं कराना है मत कराओ। मैं आपसे ज़बरदस्ती कभी नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे से ही कराओ, आप मेरे को पैसा दो मैं करूँगा, नहीं तो ये तो वो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। अगर आपको वीडियो पे भरोसा है तो जाओ वीडियो देखो और मेरे से आप अकाउंट ओपन मत करो। सिंपल सी बात है, आपके पैसे हैं, आपका दिमाग है, आपका मन है, ठीक है, मैं कभी नहीं जिद करता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास अविनाश नाम का एक बंदा आया था, उसने बोला कि भाई मैंने तुमको पेमेंट कर दिया है, मेरा काम कर दो, मेरा आईडी अनलॉक मत कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक दे दूंगा, तुम फ्रॉड हो, वीडियो बनाऊंगा वगैरह वगैरह बोल रहा था। तो मैंने बोला भाई कब दिया, ठीक है। तो उसने बोला भाई आपकी दो आईडी है यार, मैंने बोला कि एक ही है भाई। तो उसने दिखाया मेरे को चैट, ये देखो चैट में यहाँ पे देख सकते हो, यूज़र नेम डबल स्लैश लास्ट में, ट्रिक्स भी नहीं है, ट्रिक है और डबल स्कोर लास्ट में। तो आप लोग जब ये बेवकूफ़ी करोगे, इतने पढ़े लिखे हो करके आपको ना फॉलोअर देखोगे, ना हाइलाइट्स देखोगे, ना पोस्ट देखोगे, ना यूज़र नेम ढंग से देखोगे तो क्या होगा। और उसने पे किया उसको 200, वो लोग स्कैम भी करते हैं, कितने कितने रुपए की, 150, 100, 200, 300, 400, इतने ज़्यादा औकात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि फेक आईडी पे उनको नहीं मिलने वाला इतना। तो देखो यहाँ पे इसने 200 रुपए पे किया और बोला कि भाई देखो वहाँ पे आपका देखो कर दिया। तो मैंने बोला भाई ये मेरा नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने बोला ये मेरा नहीं है, किस पे भेज दिया तुमने, और मैंने बोला कि ये फेक आईडी है, मैं नहीं हूँ। तो बोल रहा है कि कॉल उठाओ, मैं फिर मैंने कॉल पे बात की, उसके बाद मैंने बोला कि भाई देखो मेरा QR ये है, मेरा नाम आकाश पांडे आएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई चूतिया समझ रहे हो, मैं अपने आपके YouTube लिंक से आया हूँ। देखो ये भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसका पैसा जो है वो डूब गया, तो इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं आपके YouTube से आया हूँ। तो मैंने भाई कॉल पे बात की, इससे बोले कि भाई क्यों चूतिया बना रहे हो तुम, तुम्हारा पैसा डूबा तुम्हारी वजह से, तुम इसको बात को एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारा पैसा डूबा है। तो फिर उसने समझ बोला कि भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं ये वो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे मैसेज मेरे को रोज़ 10 आते हैं कि भाई मैंने उसको पेमेंट कर दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी बड़ा यूट्यूबर रहता या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते तो मैं इस सब पे ध्यान ही नहीं देता। मैं सोचता कि अरे भोग रहा है, भोगने दो, क्योंकि बाहर देख लो कितने सारे फेक वीडियोस हर एक इंसान पे बने हुए हैं, हर एक इंसान पे वीडियो कुछ बना हुआ है, उसके बारे में ये, उसके बारे में वो। तो मैं एक, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मेरे हर एक सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स वैल्यूएबल हैं, तो मेरे को ये वीडियो हमेशा बनाना पड़ता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेमेंट करने से पहले आप पहले यूज़र नेम देख लो, आपकी ट्रिक्स करके होगा, बाकी हाइलाइट्स पोस्ट देख लो, जिस तरीके से हमारे फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से मेरे पोस्ट हैं, जिस तरीके से मेरे हाइलाइट्स हैं, वो देख लो, ठीक है। ये चीज़ होगा, ये तो फेक वालों के लिए, भाई इतना जब पढ़े लिखे हो तो इतना तो देख लो, क्योंकि किसी को भी आप पे कर दे रहे हो और बाद में मेरे को आके बोल रहे हो कि भाई मैंने स्कैम कर दिया, मैं पैसे लेके खा गया, तो ऐसा अक्की है नहीं, ठीक है। और एक बात बता दूँ मैं कि मेरे को मेरे बंदे कैसे जज करते हैं कि भाई तुम्हारा कमेंट सेक्शन ऑफ है इंस्टाग्राम का, ठीक है, तुम्हें कैसे भरोसा कर लूँ।
भाई तो ये कौन सी बात है, तुम कमेंट सेक्शन पे मेरे को जज करने वाले कौन होते हो बताओ। अगर मैंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है तो इसका मतलब क्या है भाई, मेरे को टाइम नहीं है मेरे को रिप्लाई करने का, कहाँ कहाँ रिप्लाई करते चलो बताओ। एक तो आपके मैसेज पे देखूँ, मैसेज रिक्वेस्ट देखूँ, कि अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन देखूँ, कि अपने दूसरे चैनल का कमेंट सेक्शन देखूँ, कि अपने इस चैनल का कमेंट सेक्शन देखूँ, ठीक है, या फिर मैं और बाकी के काम करूँ, तो उस चीज़ पर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि भाई कमेंट ऑफ है। और दूसरी बात, अगर उस पर जज कर रहे हैं तो भाई अपना पैसा, अपने जो अपना जो अपनी बातें हैं, आपकी बातें, वो अपने पास रखो, मेरे को नहीं ज़रूरत है किसी चीज़ की। या फिर अगर ऐसा बात है, अगर इस पर जज कर रहे हो तो आप मेरे को अनफॉलो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं खुशी खुशी बोल रहा हूँ अपने मुँह से, क्योंकि मेरे को ऐसे फॉलोअर्स ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हर एक पोस्ट में बोलता हूँ कि भाई ट्रस्ट करोगे, पेशेंस रखोगे, सब होगा, सब करके दूंगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ब्रो, ना आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि भाई नंबर नहीं देते हो भाई, तुम नंबर नहीं देते हो तो मैं कैसे भरोसा करूँ तुम पे बताओ। तो भाई एक बात बता रहा हूँ, मैं 1500 रुपये के लिए अपना नंबर तो नहीं बेच सकता, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तुमको भरोसा है तो जैसे सब लोग करा रहे हैं वैसे आप कराओ, ठीक है। मैं सबको नंबर नहीं दे सकता हूँ कि भाई अरे भाई वो तो 1000 रुपये दे रहा है चलो उसको नंबर दे देते हैं, अरे भाई उसको भरोसा नहीं हो रहा है वो 2000 रुपये दे रहा है उसको भरोसा नहीं हो रहा है चलो उसको 2000 नंबर देते हैं वो 2000 दे देगा मेरे को 2000 आ जाएंगे रुपये, ठीक है। तो ये सब मैं अपना नंबर नहीं बेच सकता भाई पैसे पे। तो नंबर, कमेंट सेक्शन, फेक वीडियोज़, जो जो आप देख रहे हो उस पर अगर आप भरोसा करोगे, उस पर जज करोगे मेरे को, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ब्रो। एक बार आप आके देखो, मेरे से बात करो, मेरा स्टेटस चेक करो एक बार, क्या है क्या नहीं है, तब फिर मेरे को जज करो ब्रो, ठीक है। तो जितने बंदे करा रहे हैं वो तो पागल हैं नहीं कि मेरे को आए उठ के और सब पेमेंट, क्योंकि सबको तो मैं नंबर दूंगा नहीं, किसी को नंबर देता ही नहीं मैं, ठीक है। तो किसी को मैं नंबर दिया नहीं तो पेमेंट करें तो उन लोगों ने पेमेंट कैसे किया, फिर तो वो पागल है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसको भरोसा है भाई वो सीधे सीधे आता है, बोलता है भाई करानी है, पेमेंट कितना लोगे, मैं बोलता हूँ इतना, पेमेंट करते हैं, डिटेल्स देते हैं, मैं उनका करके देता हूँ, ठीक है। तो भरोसा रखोगे, ट्रस्ट करोगे तो भाई सब पॉसिबल है, सब चीज़ होगा, आगे भी हेल्प होगी, अभी भी हेल्प होगी, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर तुम अपना घाटा है, तुम्हारा घाटा है, दूसरे के पास जाओ, वहाँ पेमेंट करो, वो लोग तो 200 रुपये ले लेंगे, मैं 1000 देता हूँ ना, वो लोग 200 लेंगे आपसे, ठीक है। तो जाओ 200 दो और स्कैम करो, जैसे कि सब रो के आते हैं मेरे पास, आप भी रो के आओ मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इन सब चीज़ों पर छोटे मोटे चीज़ जज मत करो, थोड़ा सा अपना मेंटालिटी सही करो, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योरिटी अंदर से लाओ कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। पता है मेरे को ट्रस्ट नहीं करोगे आप, क्योंकि मैं अननोन बंदा हूँ, ना मेरा नंबर दे रहा हूँ, ना मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ है, तो कैसे ट्रस्ट करोगे आप, क्यों ट्रस्ट करोगे मेरे पे, होता कौन हूँ मैं, हैं, ये बात है। तो आप जाके एक बार मेरे वीडियोस देखो, वीडियोस से पता चल जाएगी कि बंदा कैसा है, बात करने के ढंग से पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है, पोस्ट से, हाइलाइट्स से, ये सब से पता चल जाएगा कैसा है। बाकी इससे ज़्यादा तो मैं एक बंदे को पकड़ पकड़ के नहीं बता सकता कि नहीं देखो भाई मैं रियल बंदा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं आपके पैसे लेके नहीं भागूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मैं हर एक पर्टिकुलर बंदे को मैं नहीं बता सकता। तो भरोसा है तो भाई यहाँ पे मैं हूँ खड़ा, यहाँ पे आपका हेल्प करने के लिए मैं हूँ, आज करूँगा, कल करूँगा, आगे भी करूँगा, ठीक है। और जो चीज़ चाहिए मेरे से, प्रॉब्लम हो, जो आप सोल्यूशन ले सकते हो, वीडियो समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी भरोसा नहीं है तो भाई ना मैं आपका ना आप मेरे, ठीक है। तो आपको जिस पे ट्रस्ट करना है करो, आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपको जहाँ पैसा देना है दो। अगर मेरे से करा रहे हो तो आ जाओ भाई, बिल्कुल खुशी से आ जाओ, मैं आपका बिल्कुल करके दूंगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं अपने अंदर की बात जो था वो आपको बताया कि भाई क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है। तो बस शेयर कर दो वीडियो को और लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।